ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवजी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरुजी की साप्ताहिक भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि, कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस सप्ताह मन मुताबिक रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। करियर के साथ कारोबार के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। इस पूरे सप्ताह धन की आवक बनी रहेगी और आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं शुभ और मनचाहा लाभ दिलाने वाली होगी। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। इस दौरान भूमि, वन अथवा वाहन आदि की प्राप्ति संभव है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। परिवार में एकता बनी रहेगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग और माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। आपका साथी हर कदम पर आपके साथ बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए उत्तम है। उपाय हैं, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में उनकी चालीसा का 7 बार पाठ करें। वास्तु के उपाय, यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। वृषभ राशि, नौकरी पेशा लोगों को भूलकर भी अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आपको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन उधार लेना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कामकाज बल्कि घरेलू समस्याओं को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान भूमि वन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं, जिसे निपटाने के लिए आपको कोटकचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने मन और क्रोध दोनों पर काबू पाते हुए चीजों को एक एक कर सुलझाना उचित रहेगा। वृष राशि के जातकों को अपने वरिष्ठ और शुभचिंतकों की सलाह की अनदेखी करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पनपने दें, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बनी रहेगी। उपाय हैं, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। वास्तु के उपाय, यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर के सहयोग से आप अपने टारगेट को समय से पूर्व ही पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी अथवा पद की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध तक कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार होती हुई नजर आएंगी। यह समय शिक्षा और शोध से जुड़े कार्यों के लिए बेहद अनुकूल है। उन्हें उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी और आप अपने लव पार्टनर के साथ अधिक से अधिक सुखद पल बिता सकेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की प्लानिंग कर रहे थे तो इस सप्ताह इस दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए विवाह की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।
सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सकता है। उपाय हैं: प्रतिदिन गणपति की दूर्वा चराकर श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। कर्क राशि: युवा वर्ग गलत संगति के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और अपनी सेहत के साथ किसी भी प्रकार खिलवाड़ न करें, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी लेकिन मनोकूल परिणाम देने वाली साबित होगी। इस दौरान नौकरी पेशा व्यक्ति के सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकती है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कारोबार में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान किसी भी बड़ी डील को करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें और धन का लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगी। उपाय हैं: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। सिंह राशि: कार्यक्षेत्र में आपके काम का डंका बजेगा। इष्टमित्रों के सहयोग से आपकी अधिकतर योजनाएं सफल होंगी और आपके यश में वृद्धि होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद और नए संपर्काय को बढ़ाने वाली साबित होगी। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपका पेशेवर जीवन बढ़िया रहने वाला है। यदि आप विदेश में अपने करियर या कारोबार को प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह आपको इस दिशा में विशेष सफलता मिल सकती है। राह में आने वाली अड़चनें दूर होती नजर आएंगी। आपको घर और बाहर दोनों जगह अपने शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। यदि गलतफहमी के चलते किसी के साथ आपके रिश्ते में खटास आ गई थी, इस सप्ताह किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से वो दूर हो जाएगी और आपके संबंध एक बार फिर सामान्य हो जाएंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। यदि आप लंबे समय से भूमि वन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह कामना भी पूरी हो सकती है और आपको इस सौदे में खासा लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ तीर्थाटन संभव है। उपाय हैं: प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाकर पूजा एवं उनके मंत्रों का जाप करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। कन्या राशि: इस सप्ताह नियम कानून का उल्लंघन न करें और न ही किसी भी कार्य को करते समय शॉर्टकट अपनाएं, अन्यथा आपको आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कागज संबंधी कार्य समय पर पूरे करके रखना उचित रहेगा। इस दौरान कार्य विशेष को करने को लेकर मन में उहापोह की स्थिति बनी रहेगी।
कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहें क्योंकि वे आपके कामकाज में बाधा डालने और उसे बिगाड़ने का षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले भूलकर भी उसका खुलासा न करें। यदि आप अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान किसी के बहकावे में न आएं और न ही किसी कार्य के लिए झूठ का सहारा लिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ अपमानित होना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उसका प्रदर्शन करने से बचें। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। उपाय हैं: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा भगवान श्री विष्णु की केसर का तिलक लगाकर पूजा करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। तुला राशि: यात्रा शुभ और मनचाहे परिणाम को देने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपको सत्ता सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी, जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह सप्ताह मार्केटिंग कमीशन पर काम करने वाले लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। यह सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो आपको आपके विशेष योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होगी। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। खानपान और अपनी दिनचर्या सही रखें, अन्यथा आपको पेट संबंधी पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा को इग्नोर करने की गलती न करें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के संग, पत्नी बच्चों के संग हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। उपाय हैं: सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए प्रतिदिन श्रीयंत्र की पूजा तथा श्री सूक्त का पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। वृश्चिक राशि: सप्ताह के प्रारंभ में करियर कारोबार से जुड़ी शुभ सूचना मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। करियर कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ दिलाने वाली साबित होंगी। यह सप्ताह कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह उनके कद और पद में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर की पूरी कृपा बनी रहेगी। आपको आपके कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या मनचाहे तबादले का इंतजार कर रहे थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को कारोबार में विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी मार्केट में साख बढ़ेगी। घर गृहस्थी से जुड़े अधूरे काम पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होगी। इस दौरान घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी।
लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय हैं: प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में गुड़चने का भोग लगाकर सुंदरकांड का पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। धनुराशि: कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप पर आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, तो वहीं आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने विरोधियों की चाल को नाकाम करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कोटकचहरी से जुड़े मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपसी सहमति से भूमि वन से जुड़े विवाद सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए समय अत्यंत ही शुभ है। इस दौरान आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बनेंगे और आप उनकी मदद से भविष्य में बड़ा लाभ उठाने में कामयाब होंगे। समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को बड़े पद की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। सुख सुविधा के सामान पर आप बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह भूमि वन और वाहन सुख मिलने का पूरा योग बन रहा है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। भाई बहनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। घर परिवार में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय हैं: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की केसर का तिलक लगाकर पूजा और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। मकर राशि: सप्ताह के मध्य में इष्ट मित्रों की मदद से आपके कामकाज में थोड़ी गति आएगी। इस दौरान आप अपने शुभचिंतकों की मदद से अपने अधूरे काम को निपटाने का प्रयास करेंगे। मकर राशि के छात्रों का इस सप्ताह मन पढ़ाई से उचट सकता है। उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आप विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह धन का लेन देन और कोई बड़ी डील करते समय बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। किसी के बहकावे अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला न लें। इस सप्ताह आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने की आशंका है। ऐसे में इस दौरान अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और सेहत संबंधी किसी भी दिक्कत को इग्नोर न करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर पिता अथवा पिता समान व्यक्ति के साथ वाद विवाद की आशंका है। किसी बड़े फैसले को लेते समय पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। उपाय हैं: सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने और कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव की उपासना तथा चालीसा का पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। कुंभ राशि: आपके सोचे हुए काम समय पर मन मुताबिक तरीके से पूरे होंगे।
सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्य विशेष में मिलने वाली बड़ी सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय की प्रशंसा होगी। कारोबार में वृद्धि और लाभ की प्राप्ति के पूरे योग हैं। इस दौरान आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान घर गृहस्थी से जुड़ी जिम्मेदारियों का आप पूरी तरह से निर्वहन करते हुए नजर आएंगे और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान कामकाज की थकान बनी रहेगी तथा पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खान पान सही रखें। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। उपाय हैं: प्रतिदिन संकटमोचक हनुमान जी की साधना तथा श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। मीन राशि: सप्ताह के प्रारंभ में किसी कार्य विशेष के पूर्ण होने पर मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। इस दौरान आप कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते नजर आएंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। सप्ताह के प्रारंभ में आप अपने करियर कारोबार को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस दौरान आपको व्यवसाय में बड़ी सफलता मिल सकती है। कारोबार के विस्तार की योजना साकार होती नजर आएगी। इसके लिए आपको अपने पिता से विशेष सहयोग मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह इससे संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान अचानक से पिकनिक पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। इस सप्ताह मीन राशि वाले जातकों की लव लाइफ बेहद शानदार रहने वाली है। आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। यदि आपकी लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी तो वो इस सप्ताह संवाद करने पर दूर हो जाएगी। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। घर परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय हैं: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। वास्तु के उपाय: यदि घर का मुखिया प्रतिदिन भगवान शिव और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर के बुजुर्गों को नियमित रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है।